गीता प्रेस महाभारत वॉल्यूम नंबर 2 जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने मैया कुंती को श्राप दिया है कि आज के बाद में नारी जाति संसार में अपने पेट में कभी बात नहीं रख पाएगी। हाँ हाँ Stop.
Oh,
Thank you.
तो आधी रात करके दरवाजे तुम्हारे से खुले हो तो अरे करी
ममता ने मुझे भुला दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने धर्म को निभाते हुए माँ से वचन दिया था, अगर तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम कभी भी आ सकती हो। अर्जुन ने कहा, भैया अगर ये पहले बता दिया होता तो मैं इतना बड़ा अपराध क्यों करता? कर्ण ने कहा, तूने अपराध कौन सा किया? तूने कोई अपराध नहीं किया। मैंने अपराध किया भैया, ने हत्थे पर बाण चलाया मैंने। अरे पागल, तू इन चीजों को नहीं जानता है। पहले दिन जब अजूरज छिलो समय कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया, तेरी जान बच गई। और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है, कृष्ण इस बात को जानते थे, मेरे हाथ में धनुष बन रहे थे। अरे जो कहूं हाथ धनुष मेरे हो तो कोई कोई मरा भैया की चाल तो थी ही, लेकिन इसमें अरे मेरे भैया Hey!
पर श्राम जी का मुझे श्राप था कि तूने झूठ बोल करके जो मुझसे विद्या सीखी है, क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि मैं छत्री को कभी विद्या नहीं सिखाऊंगा, और तूने कहा मैं छत्री नहीं हूं, तू छत्री निकला, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि अंत समय पर मेरी विद्या तेरे काम नहीं आएगी। और तीसरी बात क्या, क्षेत्र के मैदान में हो रही है। कर्ण ने बार बार कहा पार्थ रो मत, तेरा कोई दोष नहीं है, सारा दोष जो है मेरे कर्मों का है, और मेरा ही नहीं संसार में जितने प्राणी हैं जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोग भोगना पड़ता है, इसलिए कभी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या क्या दादा, we'll be right back.
कर्ण पर्व के वॉल्यूम नंबर 2 की कथा है, जिसमें कर्ण की आत्मा लौट करके अर्जुन से आकर के मुलाकात करती है। अब यहाँ से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 3 में सुनेंगे आप, और तब तक के लिए ताला सुनिए ध्यान Thank you.